हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? ओह माय गॉड, न्यूज़ में 5 मिनट पहले ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक स्पीच दी है जिसमें क्लियरली बोला है कि कोरोना को हम मिलकर हराएंगे। 22 तारीख को हम किस तरीके से कर्फ्यू लगाने वाले हैं, जन कर्फ्यू, और किस तरीके से महंगाई को ना बढ़ने देना है, किसी भी तरीके से कालाबाजारी को नहीं होने देना है। और लोगों को ये क्लियरली बोला है कि जितनी भी चीजें आपके काम की हैं, डेली यूज की हैं, राशन पानी की हैं, जो एक नॉर्मल रूटीन में यूज होने वाली चीजें, उनके लिए किसी भी तरीके की कोई सप्लाई रोकी नहीं जाएगी। रेगुलर बेसिस पे मार्केट्स में हर वो चीज अवेलेबल कराई जाएगी, तो आपको किसी भी तरीके से अपने पास स्टॉक बनाने की जरूरत नहीं है। बट हम कौन है, आप बताइए हम कौन है? हम हैं इंडियंस, जिनको एक बार में बात समझ में नहीं आती किसी भी तरीके से। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, देखिए कितना क्लियरली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कितना क्लियरली बताया कि नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, इससे परेशानियां होंगी, इससे आपकी महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी अगर आप ऐसा करोगे, पर नहीं समझ रहे। स्पीच खत्म होते ही दोस्तों मैं फ्रूट्स लेने पास की मार्केट चला गया। वहां पे देख रहा हूं हाहाकार मचा हुआ है। जिस मार्केट में एक दो आदमी रहते हैं उसमें हाहाकार मचा हुआ है, लोगों के कंधे से कंधे जुड़े हुए हैं, लोग टूट टूट के पड़ रहे हैं। सब्जी वाले जो बेचारे न्यूज भी नहीं देख रहे हैं, ना न्यूज सुन रहे हैं, ना देख रहे हैं, वो इस तरीके का जन सैलाब देखते ही समझ गए कि कुछ ना कुछ ड्रामेबाजी जरूर फैली है। तो जो आलू 25 रुपए किलो था सीधे 50 रुपए किलो, जो शिमला मिर्च 20 रुपए किलो थी सीधे 40 रुपए किलो, जो मास्क 35 रुपीस का था वो 100 रुपीस का ऑटोमेटिक विद इन 15 मिनट हो। और मैं वहां बोल रहा हूं एक दो लोगों को जो मुझे पढ़े लिखे लग रहे हैं कि भाई ये सब करने की जरूरत नहीं है, तो कह रहे हैं हम भाई साहब हम क्या कर रहे हैं, हम तो डेली रूटीन की चीजें ले रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, बट इतना जन सैलाब मार्केट में एकदम से आ गया, कोई समझने को तैयार नहीं है। आटे की दुकान पे ऐसी भीड़ लगी हुई है कि ये राशन वाली दुकान सबसे लास्ट है, और ये आटा लेने वाले को कल के बाद कोई आटा मिलेगा ही नहीं। मतलब भाई क्यों नहीं एक बार में समझते, क्यों ऐसा लगता है कि आप सबसे ज्यादा स्मार्ट हो? अरे न्यूज अगर मीडिया में चली है, नरेंद्र मोदी जी ने लाइव बोला है, तो क्यों नहीं समझ? एक बार में समझ में तो आती नहीं है, तो पता ही है नहीं आती समझ में भाई। हर बात जब तक 2-3 बार ना बताई जाए, एक बार नमक का भी तो हुआ था, आपको याद है ना, एक बार नमक का भी हुआ था, लोगों ने नमक ही स्टॉक कर लिया। मतलब क्या क्या मेंटल लेवल है, क्या मतलब? अगर आपके घर में सब कुछ है और नमक नहीं है, और आपको पता है कि नमक इस दुनिया से खत्म हो गया, तो खाना नहीं खा सकते हम? बिना नमक का खाना नहीं खा सकते जिंदा रहने के लिए? लोगों ने नमक ही स्टॉक कर लिया, कितना स्टॉक कर लोगे, कितना भाई? इसलिए मेरा यही कहना है कि ये फालतू फटी काम मत करो, चीजों को समझो। आप बहुत समझदार आदमी हो, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, बट जिम्मेदारियों को इस तरीके से स्टॉक करके, इस तरीके से पागलपंती दिखा करके मार्केट में, जो आदमी अपने घर से 100 रुपीज लेके निकला है कि मैं अपने घर में 3 दिन की सब्जियां लेके जाऊंगा, वो आदमी 1 दिन की सब्जी लेके जा रहा है 100 रुपीज में आप लोगों की वजह से। थोड़ी समझदारी दिखाओ, इस तरीके की बेवकूफपंती मत करो। जब बताया जा रहा है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब देखिए 22 तारीख पे जो एक बोला गया कि जन कर्फ्यू लगने वाला है, उसको ही लोगों ने अलग तरीके से देख दिया है कि ऐसा कर्फ्यू लग जाएगा, बंद हो जाएंगे लोगों घर में ताला लगा दिया जाएगा, पुलिस निकलने नहीं। भाई ऐसा नहीं है, ये जन कर्फ्यू है उस कोरोना वायरस की जो साइकिल है, जो 12 घंटे तक जिंदा रहता है, 9 घंटे तक जो जिंदा रहता है उसकी साइकिल, बेसिकली उसको फ्लो मिलता है। जब नॉर्मल लाइफ में आप लोग एक दूसरे से मिल रहे होते हो, एक नॉर्मल रूटीन लोगों का चल रहा होता है, लोग ट्रेवल कर रहे होते हो, तो कोरोना वायरस के फैलने का एक पूरा साइकिल कंप्लीट होता है। वो प्लीज वो एक दूसरे से छू करके एक दूसरे के साथ इन्फेक्शन से बहुत तेजी से फैलता है। बट ये 14 घंटे का जो रखा गया है कर्फ्यू, वो इस वजह से रखा गया कि 14 घंटे में उसकी लाइफ साइकिल किसी भी तरीके से ब्रेक होगी, एक पूरी दुनिया में एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। साथ में पीएम मोदी ने यह भी बोला है कि भाई 5 बजे के आसपास सभी को, उन लोगों के लिए एप्रिसिएशन ताली, प्रोत्साहन वाली ताली, उनको हौसला देने वाली तालियां और शोर मचाना है किसी भी तरीके से। जो लोग अपनी ड्यूटीज को लगातार कर रहे हैं,
कोरोना के होने के बावजूद भी, लाइक डॉक्टर्स छुट्टी पे नहीं है, नर्सेस छुट्टी पे नहीं है, बहुत सारे लोग छुट्टी पे नहीं है जो आपको कंटिन्यूअसली सेवा दे रहे हैं, उनकी सेवाओं को हम किसी भी तरीके से दोस्तों नहीं भूल सकते और सच में भूलना भी नहीं चाहिए। ऐसी महामारी के टाइम पे, ऐसी प्रॉब्लम के टाइम पे भी कुछ लोग अपने घर की जिम्मेदारियां छोड़ के दूसरों की सेवाओं में लगे हुए हैं, तो ऐसे लोगों का कृतज्ञ हम कैसे उतारेंगे, कभी नहीं उतार सकता। तो मेरा यही कहना है, उनके लिए 5 बजे जरूर तालियां बजाइएगा, उन लोगों को जरूर हाथ जोड़ करके, उनको शोर मचा करके, घंटी बजा करके, बैल बजा करके, जैसे थाली बजा करके, ताली बजा करके, जो आपसे बने 5 बजे से लेके 5:10 तक उनको जरूर अप्रिशिएट कीजिएगा, उनको जरूर प्रोत्साहित कीजिएगा, सो दैट उनमें और एनर्जी बढ़ जाए, वो और स्फूर्ति से और चैलेंजेस के साथ काम कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके लिए भी तो जिम्मेदारियां बनती होंगी ना अपनी लाइफ के लिए, बट वो नहीं कर रहे, और कर भी रहे तो किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं कि अपनी फैमिली को छोड़ करके जो वायरस से इन्फेक्टेड लोग हैं उनके बीच में काम कर रहे हैं, डिलीवरी बॉयज बेचारे डिलीवरी पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों मेरा ये कहना है, उन लोगों को मैनी मैनी थैंक्स बोले, उन लोगों को सपोर्ट करें, उन लोगों को भी जब वो आपके घर आए तो उनको भी सैनिटाइजर दें, उनको भी मास्क दें, सो देट वो अपने आप को क्योर कर पाए। तो मेरा ये छोटा सा मैसेज था, मैसेज तो आपने बखूबी सुन लिया होगा, बट दोस्तों कालाबाजारी और ये जो स्टॉकिंग है प्लीज ये मत करना। साथ में जो लोग इन दिनों अपनी मेहनत से लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, उनके एहसान को, उनके इस कार्य को कभी नहीं भूलना है, उनको अप्रिशिएट जरूर करना है। सो फिर से मुलाकात होगी एक नए मैसेज के साथ, एक नए डिस्कशन के साथ, तब तक।